डायरेक्ट टीम नहीं करना मोबाइल से। अरे हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मुक्तेश्वर प्रधान एज ए को ओनर ऑफ डी आर पलफार्म प्राइवेट लिमिटेड। आज हम लोग उसी साइट पे पहुंचे हैं जो लगभग 1.5 महीना पहले आज से वीडियो शूट हुई थी। ये चौरी चौरा की प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, एक बार दिखा दीजिए घुमा के। लगभग उस टाइम बॉन्ड की डगिंग चल रही थी, पूरी कंप्लीट तो नहीं हुई थी, लेकिन अभी जो देख पा रहे हैं कंप्लीट प्रोजेक्ट पूरी हो चुकी है। लगभग 40,000 मसल्स डिप्लॉय हो चुके हैं। तो प्रोजेक्ट जब रनिंग थी तो काफ़ी लोग आए थे विजिट करने के लिए, देखे, लेकिन आज तो उस टाइम पहले जो वीडियो शूट की थी हम लोग, जो प्री शूटिंग थी उस पे ओनली सर थे, लेकिन आज घर के लगभग सभी सदस्य मौजूद हैं और लगभग 10-12 दिन यहाँ पे काम भी हुई। तो काम कैसे की हम लोग की टीम और हम लोग कैसे प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन किए और प्रोजेक्ट की क्या कॉस्टिंग है क्या नहीं, सारे चीज़ हम लोग सर से जानेंगे जो मेन ओनर है। सर आपका नाम क्या हुआ? और लगभग 10-12 दिन यहाँ पे आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा हम लोग की टीम से? तो सबसे पहले बता दीजिए सर, जो साइट थी हम लोग तो उस टाइम बात किए थे 120x100 की डगिंग होने की थी, लेकिन फाइनल ये कितनी की डग आउट हुई है? 120 इसकी लंबाई थी और 100 फीट चौड़ाई। और इसकी डेप्थ क्या है सर? डेप्थ है 14 फीट। अच्छा, डेप्थ 14 फीट रखी गई है, जिसमें लगभग अभी 11 फीट के आसपास पानी है और उसके ऊपर बैंक्स है जी। और पकड़ के चलते हैं इसकी प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग क्या रही सर? कितने कितने थाउजेंड मसल्स की प्रोजेक्ट? 40,000। तो प्रोजेक्ट साइज है 40,000 की है, और इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ी सर? कंपनी कॉस्ट और इंडिविजुअल कॉस्ट क्या रही? 16 लाख। और इंडिविजुअल कॉस्ट? कॉस्ट 4 लाख। 4 लाख में लगभग, पकड़ के चलिए आप पॉन्ड की खुदाई वगैरह की लेके और बोरिंग वगैरह सारे चीज़ इंक्लूड करके है। और जिस हिसाब से हमने कहा था कि हम लोग की जो प्रोजेक्ट जो बाईबैक प्राइस था वो इससे पहले की जितनी प्रोजेक्ट्स वो 100 रुपया की हिसाब से फिक्स थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट से हम लोग की जो बाईबैक प्राइस है वो 110 रुपीज़ करके कर दी गई है। जो इस प्रोजेक्ट में जो डॉक्यूमेंट साइन होगी सर से, वो 110 रुपीज़ के हिसाब से ही पर पीस क्लियर पल बाईबैक रहेगी। उसके साथ साथ हम लोग जो एक वेलकम गिफ्ट देने वाले थे, जो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए होंगे, तो वो वेलकम गिफ्ट जरा लाया जाए। गिफ्ट कहीं ये जो गिफ्ट है ये एक स्पिरिचुअल होमा स्पिरिचुअल है, और इसको हम लोग एक बहुत पॉजिटिव वे से पेश कर रहे हैं। और गिफ्ट सर को इनवाइट के तौर पे वेलकम गिफ्ट दिया जा रहा है। एक गिफ्ट है भगवत गीता, होमा स्पिरिचुअल लेटेस्ट भगवत गीता है। इससे क्या होता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और जब इससे हम लोग वेलकम आते हैं तो लगभग पॉजिटिव एनर्जी इसी चक्कर के में कि प्रोजेक्ट हमारी जो है वो सही सलामत रन करे और कोई भी नेगेटिविटीज़ आए तो वो सारी दूर हो और हम लोग अच्छा से अच्छा प्रयास कर सके और प्रोजेक्ट इसको सफल कर सके। तो प्रोजेक्ट की डेमो तो दिखाते जाएंगे तो वीडियो पूरी लंबी हो जाएगी, तो प्रोजेक्ट की डेमो हम लोग बाद में दिखाएंगे। तो एक गिफ्ट आप सर ये माता जी को पेश करें। और 10-12 दिन जो काम हुई यहाँ पे, तो लगभग घर के सभी सदस्य काफ़ी अच्छा सहयोग किए हम लोग के, उसके लिए हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं सर। और खास करके माता जी से हम पूछना चाहते हैं कि हम लोग, क्या माता जी रेगुलर अटेंड करते थे यहाँ पे, तो हम लोग के टीम के जो सारे मेंबर्स थे कैसे बिहेवियर रहे थे उनके? अच्छे रहते, उनके साथ रहने में मज़ा आया? तो और काम जितनी थी देखिए आपने, सब कुछ बढ़िया रहा अब तक? और इसके साथ साथ जो हमारे मेन प्रोजेक्ट के जो मेंटेनेंस को लेके है, मैनेजमेंट जो रखते हैं, वो हमारे जो सर के सेकेंड भाई जी है, तो बोल सकते हैं हम लोग के सेकंड ओनर है तो उनसे भी हम लोग बात करेंगे, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ। सर आप जरा बताइए कि हम लोग का कैसा एक्सपीरियंस रहा? बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक परिवार की तरह हम लोग 10 दिन पूरा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी जी, और
हम लोग को भी जो भी कुछ रिक्वायरमेंट पड़ता था यहाँ पे, जब भी कुछ होता था तो हम लोग एक कॉल मारते थे, सर मौजूद हो जाते थे और टाइम टू टाइम हमें प्रोवाइड कर देते, जिससे हम लोग की प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुली आज इंस्टॉल करने में काफ़ी अच्छा मदद मिल पाया सर लोगों से। अब आशा करते हैं कि इसी तरह हम लोग अच्छे से मेंटेनेंस करके और प्रोजेक्ट को सफल बनाएंगे और आगे और भी नए नए प्रोजेक्ट करते जाएंगे। और आगे नए प्रोजेक्ट्स की बात किया जाए तो ये प्रोजेक्ट आज समाप्त हो गई है, आज कल टीम निकल जाएगी। नेक्स्ट हम लोग की मोस्ट प्रोबेबली रांची में होने जा रही है, रांची उसके बाद हैदराबाद बेंगलोर, तीन प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे फिर मुलाकात करते हैं और इसी के तार हम लोग इससे इस वीडियो से पहले या इस प्रोजेक्ट से पहले कहीं भी हम लोग जब डॉक्यूमेंट्स शो नहीं करते अपनी कंपनीज की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट दिया जाता है, तो हम लोग आज डॉक्यूमेंट भी शो करते हैं। क्या कि भाई बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं हम लोग कि सर आप लोग प्रोजेक्ट तो करते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स क्या देते हैं, बायबैक कैसे करते हैं। तो डॉक्यूमेंट हम लोग तीन डॉक्यूमेंट हम लोग की कंपनी की तरफ से मिलती है किसी भी क्लाइंट को प्रोजेक्ट उनकी इंस्टॉल होने पर, एक होती है बायबैक एग्रीमेंट, एक होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट और दूसरी तीसरी जो रहती है वो एक बेसिक पीडीएफ फाइल होती है हम लोग की कंपनीज की, जो सारी डिटेल्स रहती है कंपनी की कि कंपनी कहाँ से बिलोंग करती है, उनके कौन कौन डायरेक्टर है वगैरह वगैरह, सारी चीज़ खोल के तो सारी दिखा नहीं सकते लेकिन बेसिकली हम लोग दिखा दिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स भी सर को हम लोग पेश करेंगे, साइन नहीं हुई है डॉक्यूमेंट्स, अभी साइन हो जाएगी कुछ देरी बाद। तो ये सर आप इसको, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात करते हैं। इसी के साथ हम लोग वीडियो एंड करना चाहते हैं। जय हिंद जय भारत।